पिछले वीडियो में हमने कई सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हम अपना पहला टेलीग्राम बॉट बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या कैसे कैसे सेटअप होगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे और इसी वीडियो में हम अपना पहला टेलीग्राम बॉट बनाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल होना चाहिए, यानी आप जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं इसमें आपको Node.js इंस्टॉल करना होना चाहिए। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर VS कोड डाउनलोड लिखेंगे और इसको एंटर करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड की साइट पर जा करके ये डायरेक्ट लिंक आप ओपन कर सकते हो। आप यहाँ से जैसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, मेरा तो विंडोज़ ही है, अभी मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकता हूँ। आप अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स में डेबियन या फिर उबंटू के लिए ये डाउनलोड कर सकते हैं, और रेड हैट और फेडोरा के लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैक ओएस के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो हमें इस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। और बस इसको आपको जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पर जैसे आपको डाउनलोड फाइल दिखेगी आपके किसी भी ब्राउज़र में, तो उसको आपको एग्जीक्यूट कर देना है, तो वो अपने आप इंस्टॉल करके ऐसा आपके सामने आइकन दिख जाएगा और इसको आपको क्लिक करके ओपन कर देना है। दूसरा क्या चीज़ हमको डाउनलोड करना है, हमको यहाँ पर Node.js डाउनलोड लिखना पड़ेगा और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्री बिल्ट इंस्टॉलर पर जा करके इंस्टॉल कर लेंगे। हम यहीं Bot.js वाले फोल्डर में इसको इंस्टॉल करेंगे। अभी ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉलर डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर इस पर क्लिक करके हम इसको नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट, और इसको यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल। अभी ये थोड़ा समय लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये Node.js हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब यहाँ पर फिनिश कर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारा Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले CMD खोलेंगे, CMD, और इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे Node-V, तो ये यहाँ पर हमारा नोड इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर इसका वर्ज़न दिखा रहा है 20.15.0। और यहाँ पर npm का वर्ज़न देख लेते हैं, npm-v, npm का वर्ज़न यानी npm और नोड दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। npm जो है वो साथ में ही आता है Node.js के, तो आप जब Node.js को इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ ही npm भी इंस्टॉल हो जाता है, जो कि नोड का पैकेज मैनेजर होता है। यानी npm से ही आप सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, चाहे वो टेलीग्राफ लाइब्रेरी हो चाहे कोई भी लाइब्रेरी हो, उसको आप npm से ही इंस्टॉल करोगे Node.js में यूज़ करने के लिए। Node.js क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप वो वीडियो पूरी देख लो उसके बाद में ही इसको देखना, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो इसको आप समझ नहीं पाओगे। वो 2 घंटे की वीडियो है Node.js की कोडिंग से रिलेटेड, तो कम से कम आपको उसको तो देखा हुआ होना चाहिए। हम क्या करेंगे, बॉट फादर में जा कर के अपना सबसे पहला बॉट क्रिएट करेंगे। बॉट फादर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि बॉट फादर एक ऐसा बॉट होता है जो टेलीग्राम पर अन्य बॉट्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले है स्टेप 1, टेलीग्राम खोलें और बॉट फादर को सर्च करें। बॉट फादर में कमांड भेजें न्यू बॉट। तो हम सबसे पहले टेलीग्राम ओपन करते हैं। आप अपनी टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से। मैं यहाँ पर टेलीग्राम को वेबसाइट पे ओपन किया हूँ। आप चाहे तो जैसे कि मैं यहाँ पर web.telegram.org, और जैसे ही आप ये करेंगे वैसे ही आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। और अगर आपकी आईडी लॉगिन नहीं है तो आपको मोबाइल नंबर डाल करके अपनी आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा। और यहाँ आने के बाद में आपको सबसे पहले सर्च करना है बॉट फादर, क्योंकि आप बॉट बनाने जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको बॉट फादर सर्च करना है।
तो ये देखो बॉड फादर, यहाँ पर आप बिना स्पेस के ये बॉड फादर लिखोगे तो ये जो ब्लू टिक वाला बॉड फादर है इसको आपको ओपन करना है। और यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कई सारी कमांड्स दिख जाएंगी, लेकिन हमको क्या करना है, हमको न्यू बॉड बनाना है। तो यहाँ पर न्यू बॉड कमांड पर हम क्लिक करेंगे। तो ये देखो हमने न्यू बॉड कमांड सेंड कर दी। तो अब ये हमें कह रहा है कि अपने जो भी बॉट आप बनाने जा रहे हो उसका मुझे नाम बताओ कि उसका नाम क्या होना चाहिए। तो मैं जो भी अपना बॉट बनाने जा रहा हूँ उसका नाम मैं दे देता हूँ, जैसे कि सिड का बॉट, जैसे कि ये नाम मैंने दे दिया। अब इसको सेंड कर दूँगा। तो यहाँ पर अब ये कह रहा है गुड नाउ लेट्स चूज़ अ यूज़र नेम फॉर योर बॉट, यानी ये अब हमें कह रहा है कि हमें कोई भी यूज़र नेम चूज़ करना होगा अपने बॉट के लिए। जैसे मैं लिख देता हूँ सिड का बॉट। देखो यहाँ पर बॉट जो है वो लास्ट में होना ज़रूरी है, अगर आप जैसे सिड का बॉट आर कर दोगे तो ये इनवैलिड यूज़र नेम हो जाएगा। चाहे कुछ भी पहले आप कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में बॉट होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉट के बाद में जैसे कि ई लिख देता हूँ, देखते हैं ये होता है कि नहीं। ये मैंने सेंड किया, ये देखो बोल दिया सॉरी द यूज़र नेम मस्ट एंड इन बॉट। तो यहाँ पर बॉट लास्ट में होना ज़रूरी है। और ये जो यूज़र नेम मैं बनाने जा रहा हूँ ये पहले किसी और का नहीं होना चाहिए, अगर किसी और का होगा जैसे कि सिड बॉट मैं लिख देता हूँ, क्योंकि सिड बॉट नाम से तो कोई ना कोई बॉट बना ही होगा, देखते क्या होता है। तो देखो यहाँ पर ये अब भी सॉरी बोल रहा है क्योंकि ये वाला यूज़र नेम पहले से ही किसी बॉट ने बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम एक यूनिक यूज़र नेम डालेंगे, जैसे कि हम अपना बनाएंगे सिड का बॉट, शायद ये वाला किसी ने नहीं बनाया हो, ये भी बनाया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिड का टू बॉट, क्योंकि बॉट के बाद में हम कुछ नहीं लिख सकते, तो सिड का टू बॉट ऐसे करके हम कर देंगे। तो ये देखो हमारा बॉट बन चुका है। इस टोकन को यूज़ करके हम बॉट को प्रोग्राम करेंगे, यानी अपने मुताबिक हम उसको जो भी करना चाहे वो कर सकेंगे। ये यहाँ पर ये इस बॉट का लिंक है कि इस लिंक से हम अपने बॉट को यहाँ पर देख सकते हैं और उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो अभी देखो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया तो ये मेरा बॉट जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, यहाँ पर देखो इसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन जब हम इस टोकन का यूज़ करके अपने बॉट का कोड करेंगे तब वहाँ पर जब स्टार्ट रिक्वेस्ट आएगी तो उस स्टार्ट रिक्वेस्ट में मुझे क्या करना है वो चीज़ हम कोड कर पाएंगे। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप्स। तो यहाँ पर हमने स्टेप वन देख लिया कि हमें न्यू बॉट कैसे क्रिएट करना है, और ये सारे स्टेप मैंने वहाँ पर ही बता दिए हैं, आप चाहो तो इन्हें पढ़ लो। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इसको कोड कैसे करेंगे। कोडिंग शुरू करने से पहले NPM यानी नोड पैकेज मैनेजर का वर्किंग नॉलेज होना ज़रूरी है, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। स्टेप फोर में हमको क्या करना है, अपना टर्मिनल खोलना है और अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में नेविगेट करें, एक नया Node.js प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करें और ये कमांड चलाएं, ये वाली कमांड npm init -y। सबसे पहले आपको एक यहाँ पर जैसे आप डेस्कटॉप पे आओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक न्यू फोल्डर बनाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ bot by js, जो कि मैंने यहाँ पर ये पहले से बनाया हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा। मैंने यहाँ पर भी दो फोल्डर बनाए हुए हैं, आप चाहे तो यहाँ पर न्यू करके तीसरा फोल्डर कुछ भी बनाना चाहो या फिर एक नया फोल्डर बनाना चाहो वो बना सकते हो। तो मैंने पहले से ही कोड्स नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है और एक गाइड नाम से फ़ोल्डर बनाया है, और इसको मैंने क्या किया है, VS कोड में ओपन किया है। आपको अगर नहीं पता कि इसको VS कोड में कैसे ओपन करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो यहीं से राइट क्लिक करके डायरेक्ट ओपन विद कोड कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप क्या करोगे, विजुअल स्टूडियो कोड पर डबल टैप करके इसको ओपन करोगे, और जब ये ओपन हो जाएगा तब आप यहाँ पर फाइल सेक्शन पे आकर के ओपन फोल्डर, तो ये देखो डेस्कटॉप पे हैं अभी, आप यहाँ पर बॉट बाई जी एस में जाएंगे, बस इसी बॉट बाई जी एस को हम ओपन करेंगे। ये देखो हमें यहाँ पर कोड और गाइड वाला चीज़ अब हम यहाँ पर VS कोड में देख पाएंगे, तो इसको इसी फोल्डर को बॉट बाई जी एस वाले फोल्डर को हम सिलेक्ट कर लेंगे
और ओपन कर देंगे। तो ये देखो हमारा बॉट बाई जे एस वाला फोल्डर ओपन हो गया, जिसमें दो हैं, एक कोड्स फोल्डर है और एक गाइड फोल्डर है। कोड्स फोल्डर के अंदर अभी कुछ नहीं है और गाइड फोल्डर के अंदर मैंने दो चीज़ें बना कर रखी हैं, एक intro.md और ये फर्स्ट टेलीग्राम botsetup.md। इन फाइलों की वजह से हम ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और आपको गाइड कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये गाइड वाला एक फोल्डर बनाया है जिससे मैं आपको गाइड कर पाऊँ, और ये कोड्स वाला फोल्डर बनाया है। अब हम यहाँ पर टेलीग्राफ लाइब्रेरी को सेटअप करेंगे और अपना पहला बॉट बनाएंगे। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, हम कोड्स फोल्डर के अंदर बनाएंगे। तो कोड्स फोल्डर के अंदर बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये कोड्स फोल्डर पर क्लिक करके यहाँ पर न्यू टर्मिनल ये हो जाएगा। यहाँ पर बॉट बाई जे एस पे अभी है, तो इसको हमें क्या करना है, कोड्स फोल्डर के अंदर ले जाना है। तो यहाँ पर कोड्स फोल्डर के अंदर हमको ले जाने के लिए सीडी यानी डायरेक्टरी चेंज करना है। कहाँ पर ले जाना है, कोड्स, तो कोड्स नाम यहाँ पर लिखेंगे कोड्स। तो हम क्या करेंगे, इस बॉट बाई जे एस फोल्डर के अंदर जाएंगे, जहाँ पर हम कोड्स, ये कोड्स फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल में जाने के लिए चेंज डायरेक्टरी टू कोड्स एंटर करेंगे। तो अब ये देखो हम यहाँ पर कोड्स फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब ये यहाँ पर लास्ट में कोड्स है, यानी अब हम इस पाथ तक आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। तो प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इस कमांड से। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर टर्मिनल में इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये कोड्स फोल्डर के अंदर package.json नाम की फाइल बन चुकी है और यहाँ पर भी उसकी सारी डिटेल्स आ चुकी है। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फाइल्स बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी फ़ाइल बनाएंगे, क्योंकि आज का जो ट्यूटोरियल है वो दूसरा ट्यूटोरियल है, तो हम दूसरे ट्यूटोरियल के नाम से ही फाइल बनाएंगे। तो हम यहाँ पर शुरुआत में क्या करेंगे, टू लिखेंगे, फर्स्ट कोड डॉट जे एस, लास्ट में डॉट जे एस होना ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर अपना पहला कोड करेंगे, जो कि हमें इस गाइड में बताया गया है कि कैसे करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेप 6 में बताया है, वी एस कोड खोलें और एक नई फाइल बनाएं जिसका नाम bot.js हो। यहाँ पर इसमें bot.js बताया है मैंने, आप चाहे तो bot.js कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कई सारी फाइल्स बनाऊंगा, अभी 2 बनाया है, 2 फर्स्ट कोड डॉट जे एस, फिर 3 बनाऊंगा जिसमें और भी कुछ होगा, और फिर इसके बाद में फिर 4 बनाऊंगा। तो ऐसे मैं करके इसकी नेमिंग कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो इसको bot.js ही बना सकते हो। मैं इसको स्ट्रक्चरल करने के लिए ये नाम दे रहा हूँ फाइल का। तो अब यहाँ पर स्टेप 7 में लिखा है, bot.js में टेलीग्राफ लाइब्रेरी को रिक्वायर करें और बॉट फादर द्वारा दिया गया टोकन का यूज़ करके अपना बॉट को इनिशियलाइज करें। सबसे पहले रिक्वायर करने को बोला है, तो यहाँ पर हमने इसको रिक्वायर किया, और उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको करना है, हमें बॉट को इनिशियलाइज करना है, ये दूसरी लाइन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें अपना बॉट का टोकन डालना है, जिससे हम अपने बॉट को कंट्रोल कर पाएंगे। तो वो वाला टोकन हमने पहले से ही अपने बॉट का जनरेट करके रखा है, ये वाला। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर जा कर के पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमारे पास ये जो बॉट है वो आ चुका है। अब हम इस बॉट से कई सारे मेथड्स को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने गाइड वाले पे जाएंगे, और स्टेप 8 में क्या करना है, हम सबसे पहले ये स्टार्ट कमांड बना रहे हैं। अभी तो मैं ये ऐसे ही कर दे रहा हूँ, आपको बाद में इसको समझाऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिससे कि हमारा सबसे पहला बॉट बन के रेडी हो जाए। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसको पोलिंग मोड में ऑन करेंगे। तो पोलिंग मोड ऑन करने के लिए यहाँ पर बॉट डॉट लॉन्च नाम का एक मेथड होता है, इसको कॉपी करेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा बॉट का कोड पूरा रेडी हो चुका है। इसको कंट्रोल एस से पहले आपको सेव कर देना है, अगर आप इसको सेव नहीं करोगे तो ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको रन करना है, इस कोड को रन करना है। अभी कोड्स वाले फोल्डर के अंदर मैं हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोड्स वाले फोल्डर के अंदर हूँ, तो यहाँ पर मैं रन करूँगा। लेकिन मैंने अभी तक टेलीग्राफ लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं किया है, तो उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, मैंने बताया था ना npm से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप 5 में मैंने बताया था कि npm से कोई भी चीज़ इंस्टॉल कैसे करेंगे।
तो अभी हम यहाँ पर ये जो कमांड है npm install telegraph इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर जा कर के टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए आपको माउस की राइट बटन को क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद में इंटर, जैसे ही आप इंटर कर दोगे तो ये यहाँ पर टेलीग्राफ को इंस्टॉल करने लगेगा कोर्स डायरेक्टरी के अंदर। ये जो कोर्स डायरेक्टरी है इसके अंदर टेलीग्राफ इंस्टॉल करने लगेगा। ये देखो जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बनता है इसके अंदर टेलीग्राफ लाइब्रेरी अपने आप इंस्टॉल हो रही है और ये हमारी टेलीग्राफ लाइब्रेरी तुरंत इंस्टॉल भी हो चुकी है। रन करने के लिए यहाँ पर अब ये स्टेप 9 के बाद में ये स्टेप 10 है, अपनी फाइल सेव करें और नोड JS का यूज़ करके बॉट को रन कर सकते हैं। तो क्या करना है, नोड बॉट डॉट JS, यहाँ पर नोड सबसे पहले लिखना है और अपनी फाइल का नाम। यहाँ पर मैंने अपनी फाइल का नाम बॉट डॉट JS तो लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पर to_first_code.js लिखा है। तो हम यहाँ पर बॉट डॉट JS के बजाय ये चीज़ लिखेंगे। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोड सबसे पहले तो नोड हमें लिखना था और उसके बाद में अपनी फाइल का नाम, फाइल का नाम to_first_js, इतना लिखने के बाद में हम एंटर करेंगे। तो अभी हमारा बॉट जो है वो रन होने लगा है। अब हम जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम यहाँ पर अपने बॉट को कुछ भी कमांड दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर जाकर के अब ये स्टार्ट मैंने पहले लिखा था, अब देखते हैं स्टार्ट कमांड भेज के forward/ उसके बाद में START सब स्मॉल लेटर में और एंटर करेंगे। तो देखो वेलकम योर बॉट इज़ अप एंड रनिंग, इसको बंद करते हैं Ctrl+C से ये बंद हो जाएगा। अब देखो ये मेरा बॉट जो है वो रन होना बंद हो गया। अब देखते हैं फिर से उसको करके, अब अगर फिर से हम इसको स्टार्ट कमांड देंगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर हम इसको फिर से ऑन कर देते हैं यहाँ पर नोड to_first_js ये सब करते हैं तो ये देखो मेरा फिर से ऑन हो गया और अब फिर से वहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा। तो अभी हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले अपना कोड बनाया है जो सिर्फ स्टार्ट कमांड को देखता है और स्टार्ट कमांड जैसे ही आती है वो वेलकम योर बॉट इज़ अप एंड रनिंग ये चीज़ दिखा देता है हमें। ये देखो मैंने बताया था ना स्टार्ट कमांड पर क्या करेगा, रिप्लाई करेगा वेलकम योर बॉट इज़ अप एंड रनिंग। हम यहाँ पर और भी कई सारी कमांड देखेंगे कि हम कौन कौन सी कमांड बना सकते हैं और कैसे कैसे क्या कर सकते हैं और किस कमांड पे क्या करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बहुत कुछ करेंगे। बधाई हो, आपने सफलता से अपना टेलीग्राम बॉट सेटअप कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये पूरी सीरीज़ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ सबसे पहले देख पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।